मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का 17वां त्रिवार्षिक प्रदेश अधिवेशन 4 फरवरी को ग्वालियर में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से आए सदस्यों द्वारा मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन संपन्न कराया गया, जिसमें सुरेंद्र सिंह भदौरिया को प्रदेश अध्यक्ष और राजेंद्र शर्मा को प्रदेश महामंत्री व केवी मेवारे को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अधिवेशन में पिछले लंबे समय से लंबित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा भी की गई, जिसमें सरकार द्वारा कोरोना काल में रोकी गई वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करवाने, सहायक शिक्षकों को पदनाम देने, अनुकंपा नियुक्ति में लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने संबंधित 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री को दिए जाने का निर्णय लिया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारी 70 सूत्री मांगे हैं, लेकिन अभी हम 10 सूत्र मांगों को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जन्मदिन है, पहले तो मैं अपनी टीम के साथ में, हमारे साथ में अश्विनी चौबे जी जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, केवी मेवारे जी जो कि प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, लाल चंद्र गुप्ता जी जो कि प्रदेश कार्यालय मंत्री है, उनकी सबकी और राज्य कर्मचारी संघ की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं। और अभी 7 फरवरी को 2021 को गालब सभागार जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 17वां प्रदेश अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें कि नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन भी किया गया है और 10 सूत्री मांगों को हमने फिलहाल लिया है, जिसमें कि कोरोना काल में इंक्रीमेंट और जो डीए है वो पेंडिंग कर दिया गया था, चूंकि अब स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं संघ की तरफ से कि अब हमको इंक्रीमेंट और डीए दिया जाए। संक्रमण प्रशासन स्तर पर हमारी पिछले कई साल और 5 साल से लगभग कई बार हमारे कार्यक्रमों में वो आए, बिदसा में, नसरुल्लागंज में सहायक शिक्षकों की मांग को ले पदनाम देने के लिए, जबकि हम लोग व्याख्याता का सहायक शिक्षक वेतनमान ले रहा है, प्राचार्य का वेतनमान ले रहा है, लेकिन वो सहायक शिक्षक ही है, तो हम मांग करते हैं कि कोई आर्थिक बोझ नहीं आना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों को तो पूरा कर ही सकते हैं जो गैर आर्थिक मांगे हैं जिसमें बोझ नहीं आ रहा है। और पुरानी पेंशन योजना पर हम विशेष जोर देंगे, हम अपने जीवन काल के स्वर्णिम काल प्रशासन को देते हैं और वेतन पर और पेंशन पर हमारे परिवार का भी हक होता है। हमारी मांगे पूरी नहीं हो तो हम शीघ्र ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुला करके और उसमें निर्णय लेंगे कि आगे हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।